राहुल गांधी देश के बाहर भी जाके देश को बदनाम करते हैं, देश के अंदर रह के देशवासियों में भ्रम पैदा करते, ये तो देशद्रोहियों का काम हो सकता है, लोगों को भ्रम फैलाना। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और उसके आते ही पूरा विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस, ये प्रोपोगेट करने में जुट जाती है कि देश का शेयर मार्केट कॉम्प्रोमाइज्ड है और इसमें निवेश करना खतरनाक है। And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. लेकिन देश की जनता ने इस फर्जी रिपोर्ट पर दोबारा भरोसा नहीं किया और शेयर मार्केट सोमवार को खुला तो देश की जनता ने हिंडनबर्ग को जवाब दे दिया कि विदेशी ताकतों की साजिशों के आगे ये देश झुकने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट को बड़े बड़े बैंकर से लेकर अर्थशास्त्रियों ने नकारा और इसे पूरी साजिश बताते हुए भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव कहा। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष ने इनकी बातों की बजाय उस फेक नैरेटिव पर विश्वास किया और इसे प्रोपोगेट कर भारत के लोगों के मन में डर पैदा करने की कोशिश की, जो हिंडनबर्ग चाहता था, जो जॉर्ज सोरोस चाहता था, ये बीजेपी का आरोप है। लेकिन अब इस मामले पर बीजेपी आक्रामक हो गई है और राहुल गांधी पर टूट पड़ी है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा बताएंगे, लेकिन उससे पहले कंगना रनौत ने राहुल को लेकर क्या कहा ये जान लीजिए। दरअसल कंगना रनौत ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कंगना राहुल के ड्रग टेस्ट की मांग कर चुकी है, उनकी जाति को लेकर टिप्पणी कर चुकी है और अब कंगना ने हिंडनबर्ग मामले पर राहुल के खिलाफ खतरनाक बयान दिया है। कंगना ने एक पोस्ट पर लिखा, राहुल गांधी सबसे खतरनाक आदमी है, वो कटु, जहरीले और विनाशकारी है। उनका एजेंडा है कि अगर वे प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो इस देश को बर्बाद भी कर सकते हैं। हमारे शेयर बाजार को टारगेट करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात से समर्थन कर रहे थे, बेकार साबित हुई है। तुम इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हो। राहुल गांधी, जीवन भर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हो जाओ और जिस तरह तुम भुगत रहे हो उसी तरह से भुगतते रहो। इस देश के लोग गौरव, विकास और राष्ट्रवाद से आपको पीड़ा देते रहेंगे, वे तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, तुम कलंक हो। कंगना की इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने नीचे कमेंट कर उनकी बातों का समर्थन किया तो कईयों ने कंगना को ऐसी भाषा के लिए सचेत भी किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी राहुल गांधी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी राहुल को लताड़ लगाते हुए देश विरोधी कामों में शामिल होने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पर साजिश रचने का उन्होंने आरोप लगाया। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, FII और FDI वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनारियो इज नॉट ए सेफ पोजिशन। ये है इनकी सोच। मैं कांग्रेस के पुराने नेताओं से कहूंगा, जिन्होंने भारत को खोलने में काम किया था इकोनॉमी को, कि कब तक आप खामोश रहेंगे, जब चमन उजड़ जाएगा। लेकिन चमन उजड़ेगा नहीं। मुझे बहुत गर्व है कि आज भी भारत का स्टॉक मार्केट स्टेबल है, आज भी। पिछली बार तो जब ये हुआ तो दो दिन में रिकवर कर गया और सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी आई तो और रिकवर कर गया। लगता है भारत के स्टॉक इन्वेस्टर्स हिंडनबर्ग और कांग्रेस के मिलीभगत को समझ गए हैं, इसलिए आज भी कोई गड़बड़ नहीं है। हम भारत के स्मॉल इन्वेस्टर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं कि भारत के खिलाफ इस सुनियोजित षड्यंत्र पर वो विश्वास नहीं किए। सैल्यूट टू देम। देयर इज टू मेनी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग दिस। कई संदेहात्मक परिस्थितियां हैं इसके पीछे। जनवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 22 इंक्वायरी कंप्लीट, एक और कंप्लीट हो गई 23। अपनी पूरी रिपोर्ट बनाने के क्रम में इस इंक्वायरी के बाद जो सेबी ने बताया उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है, वो सेबी का विषय है। उन्होंने नोटिस दिया,
हिंडनबर्ग को जुलाई में, आप जवाब दीजिए, तो फिर यह बम फोड़ने की कोशिश की गई और यह बम तो फूस निकला, लेकिन उसको लॉक लिया कांग्रेस पार्टी ने, जेपीसी जेपीसी। भाजपा का आरोप है कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। बीजेपी वॉन्ट्स टू से विथ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी द प्रेजेंट लीडरशिप ऑफ कांग्रेस पार्टी इज इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक एनार्की इन इंडिया बेस्ड अपॉन दीज फिक्टिशियस रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के जो दो तीन चार प्रदेश बचे हैं, मैं उनके मुख्यमंत्रियों को कहूंगा कि आपके यहां विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो क्या, नहीं आए क्या? जिस ग्रुप को लेकर के रोज वो माला जपते हैं, उस ग्रुप के काफी पूंजी निवेश तो उन प्रदेशों में भी हो रहे हैं, तो क्या मामला है, क्यों है ये? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इस पूरे षड्यंत्र को देश में बेनकाब करेगी, पूरे देश को बताएगी किस प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और हिंडनबर्ग ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए फिर रिपीट करूंगा, जुलाई में नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इंक्वायरी कंप्लीट, अब आप जवाब दो, फिर यह आ गए मैदान में। और याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने लंबे हियरिंग में एक बार भी कांग्रेस पार्टी या टूल किट के लोग इन्वॉल्व नहीं हुए, क्या हमें यह कहना है? और याद करिए, एक बार राहुल गांधी ने कहा मेरा भी फोन कौन सा था संजय, जो पेगासिस, थैंक यू पेगासिस। अब सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी चली तो हमें लगा राहुल गांधी कम से कम अपना फोन तो दे देंगे कि उनकी फोन की भी जांच हो जाती, नहीं दिया। अब क्यों नहीं दिया, उस फोन में क्या था, क्या निकलता, कैसे निकलता, छोड़ दीजिए। तो आप खाली आरोप लगाएंगे और भाग जाएंगे, और इंक्वायरी आएगी तो उसमें जाएंगे नहीं, ये टोटल है। तो मित्रों, हम देश को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में तीसरी इकोनॉमी को बनना है तो बनेगा। मनमोहन सिंह की सरकार ने फ्रेजाइल इकोनॉमी छोड़ा था, 11th या 12th पर थे, 5वीं पर ले आए। भारत में पूंजी निवेश होता था, मैं आज आपको बताऊं, 2012-13 में मैं न्यूयॉर्क में गया था एक एड्रेस करने के लिए, तो पूंजी निवेशक मुझसे मिलने आए, मैं बीजेपी का उसमें मुख्य प्रवक्ता था, क्या हम लोग भारत से अपनी संपत्ति वापस लगा लें क्या? मुझे कहा कि प्लीज हैव पेशेंस। तो ये करना चाहते हैं ये लोग, तो इसलिए हम। और एक अंत में सवाल पूछना है, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पूछना, मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में तो खूब स्कैम हुए थे, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, अंतरिक्ष देवा स्कैम, उसमें पूंजी निवेशक विदेश के थे, ऑगस्टा वेस्टलैंड। उस समय ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? मैं फिर रिपोर्ट करूंगा, उस 10 साल के शासन में इतना अधिक घोटाले, घपले, स्कैम हुए जिसमें कई विदेशी इन्वेस्टर्स भी इन्वॉल्व थे, उनका पैसा इन्वॉल्व था, उस समय से रिपोर्ट क्यों नहीं आती थी? यही दिखाता है टूल किट क्या है, कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र क्या है, और भारत को कमजोर करने की मंशा क्या है। इसे हम सफल नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, VK न्यूज। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।